आज का हमारा टॉपिक है एनालाइजिंग द इरेगुलर वेरिएशंस। इरेगुलर वेरिएशंस हमारे पास होती हैं, हम नॉइस भी कहते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइम सीरीज में आती हैं जब हम डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। टाइम सीरीज हम लोग ऐसे डाटा को कहते हैं जो हमारे पास टाइम पर डिपेंडेंट हो, जैसे कि डेज, वीक्स, ईयर्स या मंथ पर हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम सीरीज डाटा है। और उसमें जो नॉइस है, क्योंकि टाइम सीरीज डाटा में हमारे पास चार कंपोनेंट होते हैं, ट्रेंड जो हमें बताता है अपवर्ड जा रहा है हमारा डाटा या उसमें ट्रेंड डाउनवर्ड जा रहा है, सीजनैलिटी कि उसके अंदर जो चेंज है वो किसी सीजन के मुताबिक आ रही है, साइक्लिक क्या वो एक साइकिल को फॉलो कर रहा है, और एक आई जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास इरेगुलर वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव की बात करेंगे, ये कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो हम लोग इरेगुलर वेरिएशंस को इस टाइम सीरीज में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग एक डेटा लेते हैं। ये हम लोग ने यहाँ पर डेटा लिया है वाई, जो कि हमारे पास टाइम सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सी आई गिवन है, और यहाँ पर सी यानी हमारे पास सी आई का क्या मतलब है कि हमारे पास जो वाई है इसमें से हम लोगों ने जो ट्रेंड और सीजनैलिटी है इसको एक्सक्लूड कर दिया हुआ है, निकाल दिया हुआ है। तो हमारे पास जो सी आई बचता है यहाँ पर साइक्लिक और इरेगुलर वेरिएशन, वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। और फिर हम लोगों ने आई इरेगुलर को निकालने के लिए जो हम लोगों ने सर्कुलर, हम लोग इसे क्या कहते हैं, हमारे पास साइक्लिक रिलेटिव्स कंप्यूट किए, वो यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड मूविंग एवरेज के साथ जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर हमने वैल्यूज लिखी हैं। तो अब हम लोगों को आई देखना है, खाली इरेगुलर वेरिएशन देखनी है जो कि इस वाई में है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्योंकि सी आई है तो इस सी आई को अगर हम सी पर डिवाइड करते हैं, यानी ये जो सी आई जो हमने कंप्यूट किया और ये जो सी है, तो हमारे पास सिंपली आई आ जाएगा। यानी आई की वैल्यूज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर मेरे पास जो ये है 102.02, इसे मैं डिवाइड करूँ 104.94 पर, तो मेरे पास क्या आएगा, 0.97 आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी तमाम वैल्यूज़ के लिए भी हम इसको निकाल लेंगे। तो हम इसको निकाल कर लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर आई वैल्यूज़ को निकाल कर लिख लिया। तो हमारी जो वाई वैल्यूज़ यहाँ पर थी 98 से लेके 128 में, जितना जितना नॉइज हमारे पास मौजूद था आने का, वो यहाँ यहाँ पर हम लोगों ने उसको लिख लिया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, इरेगुलर वेरिएशंस को निकाल लिया है। इरेगुलर वेरिएशंस जो होती हैं ये हमारे पास ऐसी हैं, इनको हम लोग ग्राफ के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो यूजुअली हमारे पास आई इतना मिनिमम होता है कि हम उसको इस तरीके से सेपरेट नहीं कर पाते, और वो हमारे पास सी आई में मौजूद रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक था एनालाइजिंग द इरेगुलर वेरिएशंस।